नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया लोक कहानी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले भी इसी प्रकार का एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी अवश्य ही देख लीजिएगा ताकि सारे सवालों को आप अच्छी तरीके से कवर कर पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि लोक कहानी से संबंधित हैं। तो आज का प्रश्न वन है, बितना कहानी माने बितना के कोर बेटा रोहे, बुढ़िया केर, राजा केर, धोबी केर या फिर नवा केर। बितना कहानी में बितना जो रहता है वो किसका बेटा रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बुढ़िया केर, बुढ़िया का बेटा रहता है। क्योंकि बितना बहुत ही छोटा रहता है जिसके कारण उसका नाम बितना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे बितना के कोर बेटा रहे बुढ़िया केर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, बितना कहानी माने बितना काटाई तपाई रोहे, बितना कहानी में बितना किस में घुस गया रहता है, गोबर माने, माटी माने, भूसा माने, पोरा माने। तो बितना कहानी में बितना एक भैंस को चराने जाता है जिसके कारण एक दिन उसी के गोबर में वो घुस गया रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबर माने। ठीक है, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, बितना कहानी माने बितना पोयला माने का नापत रहे, बितना कहानी में बितना पोयला से का नाप रहा था, धान, सोना गहना, पिलई या फिर भूसा। तो याद रखेंगे सोना गहना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना गहना वो नाप रहा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सोना गहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, बितना कहानी माने सोबले बोड़े चतुर के रहे, बितना कहानी में सबसे बड़ा चतुर कौन रहता है, राजा, व्यापारी, चोर या फिर बितना। तो बितना कहानी में सबसे बड़ा चतुर बितना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बितना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, पुइतू बुढ़ा किसोन रचना है के, पुइतू बुढ़ा किस प्रकार का रचना है, कविता है के, झूमर गीत है के, लोक कहानी है के या फिर मुहावरा है के। तो पुइतू बुढ़ा एक प्रकार का लोक कहानी है, इसके बारे में हम लोग कुछ दिन पहले ही डिटेल में चर्चा किया था, उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो लोक कहानी। अगर आप सारे लोक कहानी को पढ़ नहीं सकते हैं तो उनका नाम अवश्य ही याद रखिएगा, क्योंकि उनके नाम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रकार ये क्वेश्चन बना है उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के लोक कहानी का नाम दे देगा और कहेगा कि वो किस प्रकार का रचना है। तो याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन है पुइतू बुढ़ा किसोन रचना है के, लोक कहानी है के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, पुइतू बुढ़ा कहानी माने पुइतू बुढ़ा बूढ़ी आर केकोर कहानी है के। तो पुइतू बुढ़ा में जो कहानी है उसमें तीन कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन कौन से तीन कैरेक्टर हैं, एक बूढ़ा, एक बूढ़ी और तीसरा कैरेक्टर कौन है, कुकुर, सियार या फिर कड़ा या फिर खरगोश। तो याद रखेंगे पुइतू बुढ़ा जो कहानी है उसमें तीन कैरेक्टर मुख्य हैं, बूढ़ा, बूढ़ी आर सियार। एक्चुअली होता यूँ है कि बूढ़ा खेत में काम करने जाता है सुबह ही और बूढ़ी उसको भाईसाम पहुंचाने, उसको खाना पहुंचाने रोज जाती थी, लेकिन बीच में ही रास्ते में सियार उसको छेंक लेता था और उसका जो भी खाना रहता था खिचड़ी को वो खा देता था, आधा खा देता था और आधा खाना को बूढ़ी बूढ़ा को पहुंचाता था, जिसके कारण बूढ़ा का पेट नहीं भरता था। और एक दिन बूढ़ा क्या करता है, बूढ़ी के भैंस में जाता है और सियार का पूंछ काट देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सियार, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर रहता है बूढ़ा बूढ़ी रहता है और सियार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, धोर बुढ़िया मोर पूछिया तोर खिचड़ी खाऊं के कोहेला। तो पुइतू बुढ़ा में जो कहानी है उसमें धोर बुढ़िया मोर पूछिया तोर खिचड़ी खाऊं, इस प्रकार कौन कहता है, पुइतू बुढ़ा कहता है, सियार कहता है, बाघ कहता है या फिर कुमार कहता है। तो इस प्रकार से सियार कहता है, क्योंकि सियार ही बूढ़ी को रोज रास्ते में छेंकता था और उसको इस प्रकार से कहता था कि धोर बुढ़िया मोर पूछिया तोर खिचड़ी खाऊं। ठीक है, तो बुढ़िया उसका जो पूंछ रहता है उसको पकड़ लेती थी और खिचड़ी, उसका जो खिचड़ी रहता है वो सियार खा देता था, आधा खा देता था। ठीक है, और जो भी आधा बचता था उसे बूढ़ा तक ले जाती थी, जिसके कारण बूढ़ा का पेट नहीं भरता था। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है, आप उसे देख सकते हैं उस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियार होरिन अरकावा कोहनी केर अंत माने के मोरेला। जो कहानी है सियार होरिन अरकावा उसमें अंत में कौन मर जाता है, सियार, होरिन, कावा या फिर तीनों सोब। जो लोक कहानी है सियार होरिन अरकावा उसमें अंत में सियार मर जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन को सियार।
क्वेश्चन नंबर 9 है, खीरा खेत महान लागौल फांसी डोरा महाने के फांसेला। जो खीरा खेत में फांसी डोरा लगा हुआ था उसमें कौन फंसता है, सियार, होरिन, कवा या फिर तीनों सोप। तो उसमें होरिन फंस जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को होरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चारवाहा और राकोसीन बुढ़िया किसों रचना है। चारवाहा और राकोसीन बुढ़िया किस प्रकार का रचना है, एक लोक कहानी है, कहावत है, कोरम गीत है या फिर मुहावर क्या है, मुहावरा है। ठीक है, तो चारवाहा और राकोसीन जो है ये एक प्रकार का लोक कहानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को लोक कहानी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्याज केसोन कहानी है के, हास्य कहानी, दुख कहानी, दुयो या फिर कोनोनी। जो प्याज कहानी है वो किस प्रकार का कहानी है, तो ये एक प्रकार का हास्य कहानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को हास्य कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज कहानी माने प्याज सॉन्ग का मिलाए कौन तीवन बोनेला। प्याज कहानी में प्याज के साथ क्या मिला करके तीवन बनाया जाता है या फिर सब्जी बनाया जाता है, आलू, पोस्तू, साग या फिर कोनोनी। तो प्याज के साथ पोस्तू मिला करके सब्जी बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन को पोस्तू। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, हाथी और सियार कहानी टा का संदेश दिया है। हाथी और जो सियार है कहानी, इसमें क्या संदेश हमें मिलता है, बेसी खाएक, बेसी लोभी कोरेक, बेसी लोभ नी कोरेक या फिर चराएक खाएक। तो सियार माफ कीजिएगा, जो हाथी और सियार कहानी है इसमें हमें संदेश मिलता है बेसी लोभ नी कोरेक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन को बेसी लोभ नी कोरेक। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजा और राकोस कहानी माने राकोस कहाँ रोत रहे। राजा और राकोस जो कहानी है इसमें राकोस कहाँ रहता था, आम बागान माने, पुटुस जुड़े, कतारी जुड़े या फिर बोड़गा चुपरे। तो राजा और राकोस में राकोस कहाँ रहता था, कतारी झूड़ में रहता था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन को कतारी झूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रोन भोंसी कहानी माने किसान के बेटा टाके के उठाए ले भाई ग्रोहे। रोन भोंसी जो कहानी है उसमें किसान का जो बेटा रहता है उसको उठा करके कौन ले गया रहता है, सियार, बाघ, हाथी या फिर काड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है बाघ, उसको बाघ उठा करके ले जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन खो बाघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, काल कहानी माने साधु केर गाते पोरा टुकड़ा टा कौन रूप पे धोरेला। सांप, छागीर या फिर गोरू या फिर सियार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे सांप। काल कहानी माने साधु केर गाते पोरा टुकड़ा का कौन रूपे धोरेला, सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, काल कहानी माने साधु केर काल के बोन लोग, मगरमच्छ, आइक, सांप या फिर बेटी छुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को मगरमच्छ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को हो जाएगा मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किसान और पोंडकी कहानी माने पोंडकी किसान के खेत माने का खाई जा रहा है, बादाम, सोरिसा, बूट या फिर चाउर। किसान और पोंडकी जो कहानी है उसमें पोंडकी किसान के खेत में क्या खाने चाहता था, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो बूट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किसान और पोंडकी कहानी लेख का उपदेश पवाला। किसान और पोंडकी जो कहानी है उसमें क्या उपदेश मिलता है, पशु पंखी ऊपरे अत्याचार ना करबा, पशु पंखी के मारबा, बोने शिकार करबा या फिर कोनोनी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को पशु पंखी ऊपरे अत्याचार ना करबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मादेर बछा कहानी माने सियार छागिर चाम कर बदले मूवी सॉन्ग का मागलोग, पैसा, मांस, मादेर या फिर छागिर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को मादेर। ठीक है, मादेर बछा जो कहानी है इसमें सियार छागिर को क्या मांगता है, वो मांगता है मादेर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को मादेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, चालाक बिलाय कहानी माने बिलाय केर कोयटा छुआरो है। चालाक बिलाय कहानी में बिलाय के कितने बच्चे थे, एकटा, दुईटा, तीनटा या फिर पाँचटा। तो क्वेश्चन नंबर गो का करेक्ट माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो तीनटा। जो चालाक बिलाय कहानी है उसमें बिलाय का कितना बच्चे रहते हैं, तीन बच्चे रहते हैं। एक दो दिन पहले ही इस कहानी को मैंने कवर कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, नादान बिलाय मौसी घर जाएक सुमोह ओकर रास्ता के टेक लोग। नादान बिलाय जो मौसी घर जा रहा था उसका रास्ता को कौन टेकता है, सियार, हागड़ा, हड़गा या फिर बाघ
या फिर हड़गा और बाघ दुयो। ठीक है, ये हड़गा है, हड़गा एक प्रकार का सियाड़ का ही प्रजाति होता है, तो इसे याद रखेंगे। जो नादान बिलाई रहता है उसको जाते मौसीघर जाते टाइम कौन छेंकता है, हड़गा और बाघ दुयो छेंकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, हड़गा और बाघ दुयो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मौसी घर ले घुरेक समय नादान बिलाई का माने घोर आलोक। मौसी घर से घूमने के समय उधर से जब लौट के आ रहा था तो वो नादान बिलाई किसके सहारे वो अपना घर लौटता है, पालकी सहारे, तुम्बा चाइल कौन, या फिर डेरा कौन। तो याद रखेंगे, तुम्बा में उसको घुसा देती है उसकी मौसी, और तुम्बा में घुस करके उसको लुढ़का दिया जाता है, और लुढ़का के उसे घर तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण वो बाघ और हड़गा दोनों ही से बच जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन खो, तुम्बा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तीन सोंगी कहानी माने हेटे देल माने कौन टा सोंगी नीरो है। तीन सोंगी जो कहानी है वो निम्न में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सोंगी नहीं रहता है, सांप, बेंग, सियार और हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, हाथी नहीं रहता है, तीन सोंगी रहता है, सांप, बेंग और सियार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तीन सोंगी कौन गाच केर ढूंढरू माहने रोहत रोहें, पिपोर, बोड़गोद, या फिर सीमोर, या फिर आम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, सीमोर। सीमोर गाछ के ढूंढड़ू में तीनों ही सोंगी रहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, सीमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तीन सोंगी कहानी माने चौथा सोंगी के बोन लो। तीन सोंगी जो कहानी है उसमें चौथा सोंगी कौन बनता है, कावा, मोद्रोस, या फिर मधुमक्खी, पौड़की, या फिर कुली। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मधुमक्खी। तीन सोंगी में जो चौथा सोंगी बनता है वो कौन बनता है, मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सामरेक सीढ़ी कहानी माने हाथी लीची बागाने खाएकते हैं कोबे आरोहे, पूर्णिमा रहते, आमोस रहते, रोज, या फिर दोस्त दोस्त दिने। स्वर्गेक सीढ़ी इस कहानी में हाथी लीची बागान में लीची खाने के लिए कब आता है, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, पूर्णिमा के रात में वो आता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्वर्गेक सीढ़ी कहानी माने हाथी कहाँ लेक आतरो है। स्वर्गेक सीढ़ी जो कहानी है उसमें हाथी कहाँ से आता है, स्वर्ग लेक, बोन लेक, घोर लेक, या फिर गांव लेक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ग लेक, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, स्वर्ग लेक। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वर्गेक सीढ़ी कहानी माने कोमिया टा हाथी केर कौन ओंग टा धोईर वो स्वर्ग जायरो है, सूंड, गोड़, पूंछ, या फिर पीठ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन गो, पूंछ को पकड़ के वो भी सरग स्वर्ग की ओर चल जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, पूंछ। 29 के बाद 30 क्वेश्चन है, बुध कहानी माने राजा कोईटा बेटी रहे। बुध जो कहानी है उसमें राजा का कितनी बेटी रहती है, एकटा, दुईटा, तीनटा, या फिर सातटा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एकटा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के प्रश्नों को देखे, जो कि लोक कहानी से संबंधित प्रश्न थे। इसके पहले का वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में ऊपर जो आप ऑप्शन आएगा उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एडुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं झारखंड से संबंधित, झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, ठीक है, झारखंड का जो भी GK है उसका MCQ प्रश्न मिल जाएंगे, और पंच परगनिया से संबंधित सारी प्रकार के वीडियोस, जैसे कि लोक कहानी, जितने भी लोक कहानी के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसमें से अधिकतर लोक कहानी मैंने पढ़ा दिया है, और कुछ कुछ लोक कहानी अभी बचा हुआ है, उन सबको मैं आगे पढ़ा दूंगा। उसके अलावा आप व्याकरण भी पढ़ सकते हैं, और सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध के वीडियोज़ भी आपको चैनल में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक कर दे, ताकि मुझे पता चले कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं या फिर ना बनाऊं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल में अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।